बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट और शेफ वरदा श्रेप, और मेरे साथ हैं समारा, और हम मिलके आपको वेलकम कहते हैं चटखारे में। उम्मीद करते हैं आपके रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे, खैरियत से गुजर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप हमारे शो को इतना पसंद कर रहे हैं, हमारे कॉन्टेंट को पसंद कर रहे हैं, आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मुझे इंस्टा पर भी फीडबैक आ रहा है, फेसबुक पर भी आ रहा है, लोग DM करते हैं, अच्छा लगता है। और एक ने तो मुझे हमारे रेसिपी की पिक्चर ही बना के क्लिक शेयर किया, तो अच्छी खुशी होती है कि आप हमारी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, क्योंकि आज भी हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ डिफरेंट रेसिपीज़। हमेशा हम चिकन, कीमा, इस तरह की बात करते हैं, हम सब्ज़ियों को इग्नोर कर देते हैं, है ना। और समारा को सब्ज़ियाँ पसंद हैं? आलू बहुत पसंद। आलू, आलू किसको पसंद नहीं होते समारा, मुझे ये बताओ। सबको आलू पसंद है। आलू बेचारा, ये मैं कहूँगी कि माशाल्लाह एक वाहिद ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में खाई जाती है, वरना तमाम सब्जियों बेचारियों को देख के बच्चे और बड़े भी, मैं कहूँगी यार, ख़ासतौर पर मर्द हजरात, मियाँ हजरात या भाई हजरात जो है, ऐसा मुँह बनाते हैं जैसे पता नहीं क्या बना दिया। लेकिन बेचारा आलू ऐसा है जिसको हर घर में शौक से खाया जाता है। आप बिरयानी में आलू डाल दें, पुलाव में डाल दें, फ्रेंच फ्राइज, आलू के पकौड़े, आलू किस में नहीं होता। आलू कीमा, मटर कीमा तो खैर चलो ठीक है, फिर भी नहीं होता, लेकिन आलू कीमा और दम आलू और आलू की तहारी सब बड़े शौक से खाते हैं, तो आलू सबको पसंद होता है। तो खैर आइए स्टार्ट करते हैं। आज भी हम कुछ इस तरह की आलू से रिलेटेड रेसिपी बना रहे हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं आलू पालक। आलू पालक बहुत मज़े की रेसिपी है। वैसे भी आजकल लंपी वायरस चल रहा है, लोग गोश्त खा के परेशान भी हो जाते हैं, और आजकल लोग एहतियात भी कर रहे हैं कि बीफ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ हम तक नहीं आई है कि वैक्सीन तो आ गई है लंपी वायरस की, लेकिन अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि हम बीफ खाना स्टार्ट कर सकते हैं। और वैसे भी अगर ना भी करें तो बार बार चिकन और मीट खा के दिल भी बोर हो जाता है ना, उकता जाते हैं हम, तो सब्ज़ियाँ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और पालक तो वैसे ही हमारे लिए बहुत हेल्दी है, तो आज हम बनाएंगे आलू पालक। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी, लेकिन सबसे पहले धोएंगे हम अपने हाथ। और किसे धोएंगे हम? डेटॉल। डेटॉल से तो समारा धोएंगी अपने हाथ, डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश से। हम सब जानते हैं बीमारियों का खात्मा करने के लिए हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, और हमारे दीन में भी सफाई निस्फ ईमान है। हमें अपनी खुद की सफाई का, अपने इर्द गिर्द सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और डेटॉल हैंड लिक्विड से आप देखिए समारा किस तरह से हाथ धो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप 20 सेकंड तक आपने हाथ धोने होते हैं। कोरोना में हमने ये बहुत सीखा है, लेकिन हम जब एक चीज़ बार बार रिपीट करते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है। तो अब तक आपको 20 सेकंड तक हाथ धोने की आदत हो जानी चाहिए डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश से। देखिए सबसे अच्छी बात, समारा ने क्या की, पानी ज़ाया नहीं किया, उन्होंने हाथ गीले किए, नलका बंद किया, फिर उन्होंने डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश लिया और फिर उसको रब किया हाथों पे, फिर उसके बाद दोबारा पानी खोला। पानी ज़ाया भी नहीं करना चाहिए हमें, और सिर्फ डेटॉल ही है जो हमें 100% जरासीम से मुकम्मल तहफ़ फराहम कर सकता है। अपनों का और अपनी फैमिली का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, और सिर्फ डेटॉल के ज़रिए ही हम अपनी फैमिली को मुकम्मल जरासीम के ख़िलाफ़ तहफ़ फराहम कर सकते हैं। डेटॉल 100 बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम से मुकम्मल हमें निजात दिलाता है और हमें महफूज रखता है। और अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी रेसिपी। सबसे पहले आप पैन गरम कर लीजिए, हम स्टोव ऑन कर लेते हैं, और इसमें हम शामिल करेंगे तलो कुकिंग ऑयल, क्योंकि पिछले 50 सालों की रिसर्च के बाद हमें तलो देता है एक बेहतरीन कुकिंग ऑयल, जो हमारी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है और हमारे बच्चों की नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसमें शामिल है विटामिन A, D, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और पिछले 50 साल से हमारी माओ को, हमारी दादी को, हमारी नानी को इस कुकिंग ऑयल पे, तलों पे बहुत भरोसा है, और हम अपने घर में यही देखते आए हैं, तब हम भी वही चीज़ को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं कि तलो कुकिंग ऑयल में पकाएँ। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मेरे पास है यहाँ पे जिस लहसुन काटते हैं आप, नहीं जिंजर नहीं, लहसुन है बेटा, ये भगाड़ लगाने के लिए आप गोल गोल लहसुन काटते हैं, उस तरह से लहसुन है मेरे पास, 6 से 7 जवे आप ले लीजिए, वो इसमें जाएंगे। और साथ ही इसमें जाएंगी 4 से 5 साबुत लाल मिर्च जो होती हैं गोल वाली, वो जाएंगी, ये डाल देंगे इसमें। अच्छा, मैं आधा किलो पालक है मेरे पास, उसको मैंने धो के काट लिया है। अच्छा, पालक की एक और चीज़ भी कहते हैं कि आप उसको धो के फिर काटें, काटने के बाद ना धोएं, और अगर उसको आप हाथ से तोड़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है उसमें।
अच्छा मैं सिर्फ खाली पालक नहीं बना रही, मेरे पास यहाँ पे मेथी भी है, आधा किलो पालक है और एक बंच मैंने, या तो हाफ अ कप आप कह लें कि मेथी ले लें, मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि मेथी में कड़वाहट हो जाती है, लेकिन उसका ही बनाने का तरीका होता है, आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप बनाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल कड़वाहट नहीं आएगी। जैसे ही लहसुन गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुआ है यहाँ पे मैं पालक ऐड कर दूँगी। बहुत ही आसान बनती है ये रेसिपी, बहुत क्विकली बनती है। ये मैंने पालक ऐड कर दिया इसमें, और साथ ही मेथी भी डाल दूंगी मैं इसमें। ये देखिए, अच्छा अभी खुद ही बहुत सॉफ्ट जब हो जाएगी तो ये खुद ही थोड़ी सी हो जाएगी, कहते हैं ना बुझ जाती है पकने के बाद, थोड़ा सा इसका हम लिड लगा देंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। मीनवाइल मेरे पास यहाँ पे दो अदद आलू हैं, हम उसको कट कर लेते हैं, छील के रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। बाद में फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। समारा आप इस तरफ आ जाएंगी बेटा, चलें जी मैं चॉपिंग बोर्ड ले लेती हूँ, आलू कट कर लेते हैं। समारा आप घर में सब्जियाँ काटती हैं? नहीं, मम्मा की हेल्प करती हैं दूसरी चीज़ों में, हेल्प दूसरी चीज़ों में जैसे 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 फ्रूट्स कट करती हैं, फ्रेंच फ्राइज बनाती हैं। हाँ फ्रेंच फ्राइज में कल कट करती हैं। फ्रेंच फ्राइज कट करती हैं मशीन से कटती हैं या फ्रेंच फ्राइज कटर से या फिर नाइफ से? नाइफ। मम्मा खड़ी होती हैं साथ? हाँ। वेरी गुड। अच्छा देखिए मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आलू नहीं रखे हैं, छोटे साइज के आलू रखे हैं ताकि गलने में आसानी हो। सही। अच्छा कुछ लोग बॉईल करके भी आलू डालते हैं, तो बॉईल करके आलू नहीं डालने चाहिए हमें। मैं इसी बोल में आलू ले लेती हूँ ये सारे। अच्छा इसमें बनाने का तरीका बहुत आसान है, सब चीज़ें आप एक साथ चढ़ा दें। हाँ हटाइए लेट। ये देखिए आप देख रहे हैं पालक ने और मेथी ने अपना पानी छोड़ा है, सही है। ये देखिए इसने पानी छोड़ा अपना, और इसी पानी में हम आलू भी गल जाएंगे और पालक भी हमारी गल जाएगी। थोड़ा सा पानी हम ऐड ऑन करेंगे, जो आलू मैंने काटे हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इस तरह से, और अब तमाम मसाले हम इसमें डाल देंगे। बेटा लिड रख दीजिए आप, जब मुझे चाहिए होगी तो मैं ले लूँगी, ठीक है। ये देखिए इसको हमने चला लिया है अच्छे से, अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। मसालों में सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे नमक, हसबे जायका। अच्छा पालक में ऑलरेडी थोड़ा सा नमकीन अपन होता है, तो नमक आप पालक में हमेशा कम यूज़ करना चाहिए। आप पालक कीमा बना रहे हैं, पालक की कोई भी डिश बना रहे हैं, पालक गोश्त चने की दाल और पालक कुछ भी बना रहे हैं, आप नमक का रेशो कम रखिएगा। इसे मैं हाफ़ अ टीस्पून नमक डाल रही हूँ, अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। कम हो जाए तो आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ जाए तो कम करना बहुत मुश्किल है। साथ में चाहिए लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, तो एक चटपटी सी हम ये बनाएंगे सब्ज़ी, बहुत ही मज़े की बनती है। ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून, या ज़ीरा पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। हल्दी जाएगी इसमें एक अच्छे से कलर के लिए, ये डाली हमने हल्दी जाएगी इसमें, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप चला लेंगे। और साथ ही इसमें मेरे पास हैं 3 से 4 अदद टमाटर, अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 4 ले लीजिए, बड़े हैं तो आप 3 ले लीजिए। उसका छिलका उतार के मैंने उसको इस तरह से राउंड स्लाइस में कट कर लिया है, वो भी हम साथ ही ऐड कर देंगे इसमें, ताकि टमाटर भी जब अपना पानी छोड़ेंगे तो उसी में हम सब्ज़ी को गलने की कोशिश करेंगे कि सब्ज़ी हमारी गल जाए। थोड़ा सा पानी से मैं और ऐड करूँगी यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेटली आलू को भी गलना है, लेकिन बाद में पहले हम इसकी लिड लगा के इसको 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, टेंडर हो जाएँ, ताकि ईजिली वो गल जाएँ, और फिर उसके बाद हम पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर और पकने के लिए रख देंगे। साथ साथ ये भी चल रही है, तब तक हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। एक नज़र हम डाल लेते हैं हमारे आलू पालक पे कहाँ तक पहुँचे, ये देखिए। देखिए मैं चाहूँगी कि आप इसका क्लोज शॉट अगर दिखा सकते हैं तो प्लीज़ दिखाइए। देखिए टमाटर खुद से गल गए हैं, और टमाटर ने पानी भी कितना छोड़ दिया है, ये देखिए टमाटर का भी पानी है इसमें। ये देखिए हम स्पैचुला से मदद से, देखिए हम स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा मैश कर रहे हैं टमाटरों को, तो बहुत आसानी से ये मैश हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा हम मैश कर लेंगे, इसके हमने छिलके इसलिए उतारे हैं ताकि इजीली ये मैश हो जाएं। अच्छा अब मैं इस पॉइंट पे पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि टमाटर ने ही इतना पानी छोड़ दिया है कि इसी में आलू भी गल जाएंगे, और पालक तो वैसे ही भाप में गल जाती है बहुत आसानी से, तो एक्स्ट्रा पानी ऐड करने से गुरेज कीजिए आप।
ताकि इसी के फ्लेवर में जब ये आलू पालक की भुजिया पकेगी ना, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। बस इसको हमें थोड़ी सी मेहनत ये लगती है कि स्पैचुला की मदद से या जो भी आपका कुकिंग स्पून है उसकी बैक साइड से आप थोड़ा टमाटरों को मैश कर लें, बस। तो डन, फिर तैयार है। फिर आप इसको दम पे रख दीजिए, ये देखिए इस तरह चला लेते हैं इसको। आपने देखा टमाटर कितने बिल्कुल गल गए हैं, ये देखिए इसको अच्छे से चला लेंगे हम। और इसको अब मैं हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी जब तक कि हमारे आलू जो इसमें हमने डाले हैं वो गल ना जाए। आलू तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो बस इसको हम ढक के हल्की आंच पे छोड़ देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम पे जैसे हम रखते हैं उस तरह आप उसको छोड़ देंगे ताकि आलू भी गल जाएं और पानी भी उसी में खुश्क हो जाएगा। फिर आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो आते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की जानिब। हम बना रहे हैं एक मज़ेदार सी ड्रिंक। तो मज़ेदार सी ड्रिंक जो हम बना रहे हैं उसका नाम है मैंगो ट्रॉपिकल। कैसा नाम है, अच्छा है ना, कुछ समझ में आ रही है क्या हो सकता है मैंगो के साथ और जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। एनी आइडिया, एनी गेसेस? सब आना मेहनत ही नहीं करती है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मुझे ना, मुझे नहीं पता, थोड़ा गेस तो करो भाई। हम आज यूज करेंगे मैंगो से कुछ होगा, या मैंगो से डेफिनेटली कुछ है। हम यूज करेंगे टैंग मैंगो फ्लेवर में, और उससे पहले हमें चाहिए यहाँ पे ब्लेंडर। हम ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे ताकि इजीली आपको नजर आए। और अब ये सारी मेहनत समारा करेंगी, राइट समारा, आप बनाएंगी ये ड्रिंक। बहुत ही यम्मी ड्रिंक है और ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है। चलें समारा, आ जाइए यहाँ पे आप। अब मैं आपको बताती रहती हूँ, आप डालती रहिएगा। सही है जी। सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए कोकोनट मिल्क, हाफ अ कप। हाफ अ कप हमने कोकोनट मिल्क ऐड किया इसमें। और मेरे पास है यहाँ पे कोकोनट की मलाई। कोकोनट की मलाई आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी, आप हरा वाला जो कोकोनट होता है आप वो ले लीजिए, उसके अंदर से मलाई निकलती है 1/4 कप, वो आप ले लीजिए। सही है, वो ले लिया हमने यहाँ पे। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे कोकोनट वाटर, जिसमें से आप मलाई निकालेंगे उसमें से कोकोनट का पानी तो निकलेगा, तो वो कोकोनट वाटर ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना बेटा, ये थोड़ा सा डालना है आपने, दैट्स इट जी, इतना। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे टैंग मैंगो फ्लेवर का पाउडर, वो हम डालेंगे यहाँ पे 4 टेबलस्पून। ये सारा डाल दीजिए, 4 टेबलस्पून मैंगो पाउडर डाल दिया हमने। और शुगर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डालिए, वरना इसी का इतना अच्छा मज़े का फ्लेवर होता है कि मैं स्किप कर रही हूँ। शुगर की जगह मैं मेपल सिरप यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एक अच्छा सा फ्लेवर देगा वो। यहाँ पे हम ये डालेंगे 1 टेबलस्पून। बेटा मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया। और लेमन जेस्ट है मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून लेमन जेस्ट। आप कैसे ले सकते हैं, नींबू का जो ऊपर का छिलका होता है उसको आप ग्रेटर की मदद से बारीक बारीक कद्दूकश कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना कि वाइट पूरा इसका अंदर का लेयर आ जाए, बिल्कुल हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से आपने करना होता है। वो हमने इसमें डाला। अब हम डालेंगे बहुत सारी आइस क्यूब्स, डालिए और फिर उसको ब्लेंड करेंगे। बहुत ही मज़े की ड्रिंक होती है, बहुत ही डिफरेंट है। कोकोनट वाटर और कोकोनट मिल्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और कोकोनट वाटर स्पेशली वैसे भी गर्मियों में आप लोगों को पीना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है ठंडा करके। डालें डालें, काफ़ी सारी आइस क्यूब्स डालिए, हम फुल ठंडी चिल करके ये ड्रिंक बनाएंगे, राइट, ज़बरदस्त। अब ये बात हुई ना, चलें अब इसको कवर कीजिए और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। राइट, और हमारी ड्रिंक तैयार है। अब समारा आप जाके ग्लासेस लेके आइए और ग्लासेस डेकोरेट आज आप करेंगी। आज समारा का सही इम्तिहान ले रही हूँ मैं, सही काम कर रही हूँ सही काम करवा रही हूँ उससे, है ना, वेरी गुड। अच्छा समारा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आप ग्लासेस कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, राइट, नहीं, चले आपको एक करके दिखाती हूँ मैं, फिर आप कीजिएगा। आप शुगर निकालिए यहाँ से जो प्लेट में रखी हुई है मैंने। अच्छा जी, ग्लास का जो आउटर सरफेस है इसको या तो आप किसी कोई आपका ड्रिंक है, कोई मशरूम है, उसमें डिप कर लीजिए, या फिर आप एक लेमन स्लाइस ले लीजिए इस तरह से आउटर सरफेस पे, एग्जैक्टली इस तरह से लगाया और फिर आपने प्लेट में जो शुगर रखी है उसमें इसको डिप किया। ये वाला नहीं, दूसरा कीजिए आप, ये लीजिए। कैसे बच रही है ना काम से ऐसे बच्चों से ना काम करवाने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है चलें जब तक आप ये कीजिए मैं देखती हूँ कि हमारी
आलू पालक की भुजिया कहाँ तक पहुंची है। वाह क्या खुशबू आ रही है। इसके साथ होनी चाहिए चपाती, बहुत ही मजे की। देखिए पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और आलू भी हमारे ऑलमोस्ट गल गए हैं, बस हल्का थोड़ा सा और रह गया है। जितना पानी खुश्क होगा उतनी देर में आलू भी और मजीद गल जाएंगे। यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे इसमें हरी मिर्ची थोड़ी सी ऐड करूँगी काट के। क्या मुझे नाइफ दीजिएगा, यहाँ पे इसको हटाइएगा। चलें, थैंक यू। अच्छा जी, तीन अदद हरी मिर्चें मैं बीच में से खाली मोटी मोटी काटूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको मैं इसमें ले लेती हूँ और ये हरी मिर्चें मैं डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी और अगर बुलेट ग्रीन चिलीज़ आपके पास हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप चाहें तो आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं इसको, ठीक है। चलें इसको ढक देते हैं हम दोबारा से। लो फ्लेम पे ही मैं इसको अभी तक पका रही हूँ, दम रखने वाले फ्लेम पे, ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। अरे वाह, समारा ने कितना अच्छा डेकोरेट किया ग्लास को, वेरी गुड। चलें अब निकालें ड्रिंक। हम ड्रिंक को निकालते हैं हमारा मैंगो ट्रॉपिकल कोकोनट मिल्क के साथ, कोकोनट क्रीम के साथ। और ये देखिए कैसा लग रहा है समारा, यम्मी 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 यम्मी। वाओ देखा कितना क्रीमी है और इसमें मैंगो फ्लेवर भी होगा टैंग के साथ, वो ये बहुत ही यम्मी लगेगा। स्ट्रॉज रखिए, मुझे स्ट्रॉज भी दीजिएगा। ये देखें ये रेडी है। चलें ये स्ट्रॉज डाल देते हैं हम इसमें और मिंट लीव्स थोड़े से हम इसमें जैसे गार्निशिंग के लिए जस्ट ऐड ऑन कर देते हैं लाइक दिस। ओके हेयर ऑल्सो, और एक लेमन स्लाइस हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे। इसको बीच में से स्लिट करेंगे हम। आप करेंगी? कीजिए, गुड, वेरी गुड। चलें अब इसको हम लगा देते हैं साथ में यहाँ पे, और एक आप लगाइए। और ये हमारी ड्रिंक मैंगो ट्रॉपिकल रेडी है, बहुत ही यम्मी सी ड्रिंक, टैंग से बनने वाली रेसिपी तैयार है। ये देखें, एंजॉय कीजिए आप इसको कभी भी आराम से। आप शाम के टाइम पे भी इसको बना सकते हैं, बच्चों को बना के दीजिए, बहुत हेल्दी होती है। और अब हम आलू की भुजिया पे चलते हैं। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, पानी खुश्क हो गया है यहाँ पे, आलू भी गल गए हैं। और आप इस पॉइंट पे नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम है तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं यहाँ पे। और थोड़ी चटपटी तीखी सी ये सब्ज़ी बनेगी तो बहुत ही मज़े की लगेगी। और ये तीखी है मैं बता रही हूँ, खुशबू से मुझे पता चल रहा है कि इसमें मैंने जो हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं वो बहुत तेज़ थी, तीखापन था उसमें। मुझे सर्विंग बोल दे दीजिए आप। थैंक यू सुमारा। और ये देखें थोड़ा सा इसको मैं अब मज़ीद जो थोड़ा बहुत पानी रह गया उसको मैं थोड़ा तेज़ आंच पे ड्राई कर रही हूँ। आप ढक के ही रहने दीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा कि जल ना जाए, बहुत जल्दी लगती है, बहुत जल्दी पानी खुश्क होता है। थोड़ा सा पानी रहेगा इसमें, अगर पानी रहा तो आपकी सब्ज़ी में कड़वाहट आ जाएगी। इसका मेन पॉइंट ही यही है कि हमें इसको कड़वाहट ख़त्म करने के लिए सब पानी पूरा ड्राई करना है। दूसरी बात, ये मेथी को कहते हैं लोग बहुत मुश्किल से साफ़ की जाती है मेथी के। आप बड़े वाले जो पीछे के रूट्स होते हैं आप वो कट कर लीजिए जहाँ पे मिट्टी होती है, और बाकी मेथी को आप बारीक चॉप कर लीजिए, तो उसमें भी बहुत अरोमा और बहुत अच्छी से खुशबू आती है। बहुत से लोग सिंपल आलू पालक भी बनाते हैं, बट अगर आप थोड़ी सी इसमें मेथी ऐड कर देंगे तो उसकी एक खुशबू और फ्लेवर उसका बहुत ही मज़े का आता है। ये देखें सिर्फ ऑयल रह गया है अब, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए सिर्फ ऑयल रह गया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। और समारा मुझे स्पून पास कीजिएगा प्लीज़। और अब मैं इस पॉइंट पे कर रही हूँ यहाँ पे स्टोव बंद, और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। आप देखें कितनी जल्दी क्विक बनने वाली सब्ज़ी है ये, ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं जाते, सिर्फ आपने भगाड़ लगाना है इसमें लहसुन का और ज़ीरे का और लाल मिर्च का, और फिर सब्ज़ी डाल देनी है। सब चीज़ें एक साथ चढ़ा दें आप और आपकी मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, आलू पालक की भुजिया। आपको पसंद है समारा? आलू की वजह से खा लेंगी आप पालक? जब बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें पालक खिलाने की कोशिश करते थे तो वो सबसे पहले हमें कार्टून लगा के दिखाते थे, पॉपाई के। देखें आपने, पॉपाई द सेलर मैन होता है और वो स्पिनिश खाता है और उसकी बॉडी आ जाती है, तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे। आई हैव सीन दैट वन। आपने देखे है ना, सबने देखे होंगे पॉपाई कार्टून, किसने नहीं देखे? लड़ाई हो जाएगी अभी यहाँ पे। तो पॉपाई हमारे टाइम का बहुत फेवरेट कार्टून था, और जब भी हम पालक खाते थे और हम कहते थे कि हमारी बॉडी क्यों नहीं आ रही पॉपाई की तरह, या हम भी स्ट्रांग हो जाएंगे पॉपाई की तरह। तो ये जो मैं कहूँगी 90s के बच्चे थे ना, ये उनकी सबकी माओ ने कहा होगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि बेटा पालक खाओगे ना
तो आप पॉपाई की तरह बन जाओगे। अच्छा, पालक ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह की सब्ज़ी बनाए तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पालक और बहुत ही मज़ीद दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी स्पिनिच आते हैं आजकल, वो आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं। आप अल्फ्रेडो पास्ता बनाते हैं, आप बेबी स्पिनिच उसमें यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे शौक से खा लें, क्योंकि पास्ता एक ऐसी डिश है जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और उसके लिए मना नहीं करते। तो जब आप उसमें थोड़ी सी बेबी स्पिनिच आप तोड़ के डालेंगे उसमें, उसकी ग्रेवी में जो व्हाइट सॉस हम बनाते हैं, तो वो बहुत यमी लगेगा और फ्लेवर ही पता नहीं चलता बच्चों को। आपको पता है मैं अपने बच्चों को धोखा देके इस तरह से खिलाती हूँ चीज़ें, सीरियसली आप लोगों को भी सिखाऊंगी मैं ऐसी रेसिपी बनाना। चलें जी, ये देखिए तैयार है हमारी मज़ेदार सी आलू पालक की भुजिया, हमारी ड्रिंक भी तैयार है, फिर मिलते हैं आपसे डाइनिंग एरिया में। जी तो आ गए हैं हम अपने डाइनिंग एरिया में और आपके सामने हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। टैंग से हमने बनाया है मैंगो टैंग ट्रॉपिकल और हमने आज बनाई है आलू पालक की भुजिया, जो कि बहुत ही मज़े की होती है। इसके ऊपर आप मक्खन डालें और फिर खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। समारा कैसी लगी आपको, आप ट्राई करेंगे आज की रेसिपी? डेफिनेटली। और ड्रिंक? वो भी। तो चलिए बच्चों, अब वक्त हुआ है आज की कहानी का। तो कोई आइडिया है आपको आज मैं कौन सी कहानी सुनाऊँगी समारा? नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी आतिश नमरूद की कहानी। हम सब ने अपने बचपन में या अभी अपने जब हम बड़े हुए हैं, हमने हमेशा आतिश नमरूद का जिक्र कभी ना कभी तो ज़रूर सुना है। लेकिन आतिश नमरूद क्या है? आतिश का मतलब होता है आग, और नमरूद कौन था? एक बादशाह था जो 400 साल से बादशाहत कर रहा था। वैसे तो उसको अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि पिछले 4 साल से वो मुस्तकिल बादशाहत के तख्त पे मौजूद है, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह उसने खुदाई का दावा करना शुरू कर दिया। उसका नाम नमरूद था। वहाँ के लोग बुतों की पूजा करते थे, तो उस कौम की इस्लाह के लिए, उस कौम को सही राह पे लाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ पर भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बहुत छोटे थे, तभी से वो अल्लाह की बनाई हुई कायनात को बहुत गौर से देखते थे, अल्लाह की तख्लीक को देखते थे। वो देखते थे कि सूरज मशरक से निकलता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है, रात में सितारे आ जाते हैं, चाँद कैसे चमकता है, वो ये सब देखते और सोचते रहते। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा जो थे, वो ख़ुद बुतों को बनाते थे, और बाकी सारे लोग बुतों की, उन्हीं बुतों की जो अपने हाथ से बनाए बुत होते थे, उनकी पूजा करते थे। तो वो इस बारे में सोचते थे कि ये बुत तो ये खुद हाथ से बनाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, ना ये कुछ बोलते हैं, ना ये कुछ सुनते हैं, ना ये कोई जवाब देते हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह ये खुदा कैसे हो सकते हैं। वहाँ पे जो लोग बुतों की, सूरज की, चांद तारों की पूजा करते थे, तो नमरूद ने अपने लोगों को बुलाया अपने महल में और कहा कि जिस तरह से तुम अपनी बाकी चीज़ों की पूजा करते हो, यानी कि चांद तारों और बुतों की पूजा करते हो, इस तरह से तुम मेरी भी पूजा किया करो। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जिनको मुस्तकिल एक कन्फ्यूजन थी, वो इस कश्मकश में थे कि ये सारे बुत खुदा नहीं हो सकते, ये मेरा रब कोई और है जो इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सोचते थे, और ये सोचते सोचते वो इस नतीजे पे पहुँचे कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये बुत खुदा नहीं हो सकते, इस सारी कुल कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ़ वाहिद अल्लाह ताला है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उन्होंने लोगों को तबलीग देना शुरू की, उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ रागिब करना शुरू किया, उन्होंने लोगों में आगाही बिखेरना शुरू की। पहले तो उन्होंने इन सब बातों के बारे में लोगों से कहा कि ए लोगों, मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, ये तुम्हारी बात सुन सकते हैं, चाहे तुम्हारी बात का जवाब दे सकते हैं? लोग पहले तो बहुत हैरानी से उनकी तरफ देखते रहे, फिर आपस में एक दूसरे को देखा, उनके पास कोई जवाब था नहीं। उनको ये समझ में तो आया कि इब्राहीम सही कह रहा है, लेकिन उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और चले गए। जब नमरूद को ये बात पता चली कि इब्राहीम
एक हैं, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जो उनकी कौम को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सजदा करने से रोक रहे हैं, तो नमरूद ने सोचा कि इब्राहीम तो मेरे लोगों को, मेरी कौम को मेरी तरफ से गुमराह कर रहा है, वो अल्लाह की जानिब रागिब कर रहा है, तो उसके पीछे रहो, सुनो कि वो क्या बात कह रहा है। वो उनका दुश्मन बन गया। फिर एक बार क्या हुआ कि वहाँ बहुत अरसे बाद एक मेला लगता था, तमाम लोग उस मेले में जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मेले में जाने से इनकार कर दिया। जब तमाम लोग उस मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा उठाया और बुत खाने की जानिब रवाना हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सोच लिया था कि वो बुतों को तोड़ देंगे। जब तमाम लोग मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बुत खाने में गए और उन्होंने वहाँ के तमाम बुतों को तोड़ दिया और वहाँ का एक जो सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पर कुल्हाड़ा छोड़ के आ गए। जब सब लोग मेले से वापस आए तो तशवीश में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है, किसने हमारे बुतों को तोड़ने की हिम्मत की, उनके लिए तो वो नाउज़ु बिल्ला, वो तो उसको पूछते थे। बड़े गुस्से में आए, बड़े हैरान हुए, तो वहाँ का जो एक बड़ा सरबराह था जो नमरूद के भी करीब था, उसने पता लगाया और उसने कहा ये कौन कर सकता है। तो सब ने कहा कि ये एक शख्स है यहाँ पर इब्राहीम नाम का, जो हमारे बुतों से नफरत करता है, हमें कहता है कि अल्लाह कोई और है, ये बुत नहीं है, अल्लाह की तरफ आओ, वो कुल कायनात का खालिक व मालिक है, ये वही काम कर सकता है। लिहाजा तमाम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ के लेके आए और नमरूद के सामने पेश किया और फिर नमरूद ने उनसे सवाल किया कि क्या हमारे बुतों को तुमने तोड़ा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, क्या पता तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारा एक सबसे बड़ा बुत है उसे कंधे पर कुल्हाड़ा है, क्या पता वो इस बात से तैश में आया हो कि तुम उसे छोटे बुतों की पूजा करते हो तो इसलिए उसने उनको तोड़ा हो, तुम इससे जवाब मांगो, क्या ये तुम्हें जवाब देंगे। लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये तो जवाब देता नहीं है, ना ये सुन सकते हैं, अब हम कैसे पूछें। तो लिहाजा उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ना पड़ा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए तो नमरूद को ये बात रास नहीं आई और उसने अपने बंदे, अपने लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे जासूसी करने के लिए लगा दिए और कहा कि पता करो कि क्या वाकई वो इसने तोड़े हैं या नहीं। जब उसके बंदे नमरूद के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जासूसी करने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर से हमेशा बात करते कि अल्लाह की तरफ आओ, अपनी कौम को वो सीधी राह दिखाते, अल्लाह की राह पर लेके आते। लोगों ने इस बात को कन्फर्म कर दिया, नमरूद को बताया कि इब्राहीम ही वो शख्स है जिसने हमारे सारे बुतों को तोड़ा है और ये सब को अल्लाह की जानिब बुला रहा है और कह रहा है कि अल्लाह एक है, एक तरफ आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वाहिद होने की गवाही देते थे और लोगों को उनकी तरफ आने को कहते थे और इस्लाम कबूल करने को कहते थे, ईमान लाने को कहते थे। फिर नमरूद ने क्या किया, नमरूद को बहुत गुस्सा आया, नमरूद ने कहा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये मेरी कौम को भटका देगा और अपने अल्लाह की तरफ ले जाएगा। चुनांचा उसने क्या किया, उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग तैयार करो, हम उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंक देंगे। लिहाजा तमाम वहाँ के जो लोग थे उस कौम ने एक बहुत ही बड़ा और गहरा खड्डा खोदा और उसमें दिन ब दिन लोग ला के लकड़ियाँ डालने लग गए और आग जलाना शुरू कर दी। हत्ता कि आग इतनी बढ़ गई, इतनी भड़क गई और इतनी ऊँची हो गई कि आसमान का कोई परिंदा उस आग से बच ना पाया। और जो भी परिंदा आसमान पे, परिंदे कितनी ऊंचाई पे उड़ते हैं, बहुत हाइट पे उड़ते हैं ना परिंदे, हम तो सोच भी नहीं सकते, तो वो आग इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी कि जो भी परिंदा ऊपर से गुजरता उसके वो जल जाता, ख़त्म हो जाता, राख हो जाता। इसलिए उसका नाम आतिश नमरूद रखा गया कि इतनी बड़ी और इतनी भयानक आग उसने लगाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए। फिर सोचा जाए कि क्या किया जाए, उसने अपने लोगों को हुक्म दिया और कहा कि जाओ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ के लेके आओ और उसको अब इस आग में फेंकेंगे ताकि वो जल के ख़त्म हो जाए। चुनांचा लोग गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ के लेके आए और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। सोचें क्या हुआ होगा फिर, He died. नहीं, आग को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इब्राहीम पर ठंडी हो जाओ, तो आग बिल्कुल ठंडी हो गई और नमरूद ये सारा किस्सा अपने महल की सबसे ऊंची छत से बैठ के देख रहा था। और उसने देखा आग की तरफ कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया तो वो क्या देखता है,
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में बैठे हैं, उनके आसपास फूलों के बागात हैं, फूल हैं, आग है ही नहीं, और उनके साथ एक कोई शख्स बैठा है, और वो शख्स कौन था? तो अल्लाह ताला का फरिश्ता था। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को भेजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए। सुभान अल्लाह, देखें क्या बात है, जिसको हमारा रब रखना चाहे उसे कौन चखे। तो ऐसे ही कहावत है ना, जिसे रब रखना चाहे उसे कौन चखे। तो फिर नमरूद ने कहा कि ए इब्राहिम, क्या तुम इसमें से वापस आ सकते हो? तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निकाला और आग से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। और जब देखा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े बिल्कुल ठीक थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद बिल्कुल ठीक थे, एक छोटी सी खराश या आग की हल्की सी एक खराश एक ज़र्रा भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगाड़ सका। सुभान अल्लाह, मेरे रब के हुक्म के आगे किसी की क्या चली। नमरूद ये देख के बहुत परेशान हुआ और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक सही और सालिम आग से बाहर निकल आए। तो ये थी आतिश नमरूद की कहानी, इसीलिए उसको आतिश नमरूद कहा जाता है। तो बेशक हमारा ईमान हमारे रब पे इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई मदद मांगें, अपने रब से मांगें, हमारा रब जिसको चाहे वो रखे। जिस तरह से हम देखते हैं आज के ज़माने में एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने ख़तरनाक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई हादसा पेश आ जाता है और एक मौजज़ा हो जाता है। जब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी होती है तो कोई कुछ भी कर ले, उसे कोई नहीं मिटा सकता। हमारी सांस, हमारी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। जिसे वो चाहे वो मौत की नींद सुला दे और जिसे वो चाहे वो ज़िंदा कर दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। इसी के साथ ही आज की कहानी ख़त्म होती है, आज का एपिसोड भी ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी और एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लूँगी। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लेकिन आप जाके देखिए एक दिन की नेकी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्ले इंटरटेनमेंट। जिन्होंने एक शुरू किया है प्रोग्राम, और पहले भी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी रमज़ान में, और अब फिर एक साल गुजर गया, रमज़ान शरीफ आ गए हैं, और करने का तो ये काम वो है जो आप पूरे साल करें, हर महीने करें। मगर अब हम जिस घर में मैं आई हूँ, इनको उर्दू नहीं आती है, ये इनके शौहर हैं, इनको सांस की बीमारी है। पहले ये मछली का काम करते थे, मछेरे थे, अब इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। और इनकी माशाल्लाह पांच बेटियां हैं, और करने वाला कोई भी नहीं, और ये खिदमत करती हैं। बेटी जो है वो भी इनकी ऊपर रहती है, उसको उर्दू आती है। तो उसके साथ ये हुआ, सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, ठीक है। आपके शोहर को क्या हुआ? बीमार है। बीमार है। और आपकी कितनी बेटियां हैं? पांच बेटी। पांच बेटी हैं, बेटा नहीं है। नहीं। आप सारा दिन क्या करती? सारा दिन क्या करती? मियाँ की खिदमत करती हैं, उर्दू इनको नहीं आती है, बेटी इनको बता रही है। बेटी है तो उसके साथ ही बहुत बड़ा एक मसला हुआ। वो इसकी शादी हुई, शादी के बाद मियाँ चला गया काम करने। कहाँ आप? सबसे पहले आपको मैं अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या बेटा? खालदा। आपके मियाँ कहाँ काम करते थे? ग्वादर में। ग्वादर में काम करते थे, और इनके यहाँ बेटी हुई तो वो वहाँ से बेटी को देखने आ रहे थे, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बेटी को तो नहीं देख पाए, इस दुनिया से चले गए। अब इन्होंने इस बेटी को पाला, माशाल्लाह। ये बेटी कितनी बड़ी हो गई? पाँच साल की। और कितने मियाँ के इंतकाल हुए, कितना अर्सा गुजर गया? हाँ,
ये 3 महीने की थी। अच्छा, जब पैदा हुई थी जब नहीं देखा था। अच्छा, जब ये बच्ची 3 महीने की हो गई थी तो वो वहाँ से छुट्टी मिली होगी, तो ये वहाँ से बेटी को देखने आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। किस में? मोटर बाइक पे थे, किस में थे आप? बस का एक्सीडेंट हुआ। देखिए, इंसान सोचता क्या है, हमेशा यही है कि अल्लाह की प्लानिंग होती है, हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। वो बेटी को 3 महीने बाद देखने आ रहे थे और बस का एक्सीडेंट हुआ, और वो कह रही थी अभी मुझे कि उसका जो ब्रेन था, दिमाग बाहर निकल आया था, ना वो बेटी को देख सके, इस दुनिया से चले गए। हर घर में, मैंने आपको पहले भी कहा था, हर घर में एक कहानी है, और ऐसी कहानी है कि आप जब उस कहानी को सुनते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ये अपने मियाँ की खिदमत करती है ना, इनको उर्दू आती है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो ये कैसे इनका खर्चा चलता है? घर घर जाती है मांगने, बेटा तो है नहीं, ना इनका कोई कमाने वाला है, और ये भी उस सितारे लगाती हैं, ये बता रही है इनको सितारे लगाने के कितने मिलते हैं? 50 रुपये मिलते हैं सितारे लगाने के। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अभी आपके पास है कुछ? कह रही है अभी मैंने बुरखा भी नहीं उतारा, ये वो कपड़े दे कर आई। तो कहती है पीछे गली में कोई है, वो दुकान से लाता होगा सामान, इन लोगों को ज़ाहिर है फिर वो अपना भी रखता होगा। मगर आप सोचें, 50 रुपये की आज के वक्त में कोई अहमियत नहीं है। इनको 50 रुपये मिलते, कहती फिर हम क्या करें, मुझे बच्ची को भी पालना है, अकेली ये हैं, अकेले माँ बाप हैं, उनका भी कोई कमाने वाला नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगी, प्ले इंटरटेनमेंट ने तो काम शुरू ये किया हुआ है, मगर क्यों नहीं मैं और आप मिलके ये नेकी, छोटी सी नेकी, कुछ भी आपको नहीं करना, जो भी आप मदद कर सकें, और वो छोटी सी नेकी अल्लाह ताला के सामने बहुत बड़ी नेकी और बहुत बड़ा अजर है। और हमने किसी के लिए नहीं करना, अल्लाह को राज़ी करना है बग़ैर किसी मतलब के। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे अच्छे काम करने की, लोगों की मदद करने की। ये आपके लिए प्ले इंटरटेनमेंट की तरफ से 10,000 रुपये, ये आपके लिए 10,000 रुपये हैं, और ये राशन आपको भेजा है प्ले इंटरटेनमेंट, ठीक है? और ये आपके लिए 10,000, और ये आपके लिए राशन। आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो नहीं कह सकती ना, आप क्या कहना चाहेंगी प्ले इंटरटेनमेंट के लिए? आपके लिए उन्होंने भेजा है कुछ, बस शुक्रिया तो अल्लाह का करना चाहिए, अल्लाह वसीले बनाता है। और प्ले एंटरटेनमेंट ने ये काम किया, और ये जो इनके दिल से दुआएं निकली, जो घर घर मांगने जाए, इस उम्र में घर घर मांगने जाना कोई आसान काम नहीं। अल्लाह ताला इनको भी हिम्मत दे और कोई ऐसे रास्ते बना दे कि इनके रास्ते बन जाए, और ये अपने शोहर की खिदमत भी कर रही हैं। ये जवान, ये भी बच्ची जवान है जिसकी ये बेटी है, इसको लेके इसको चलना है। वो वही कह रही थी कैसे पालूंगी, कैसे पढ़ाई कराऊंगी, एक औरत के लिए काम बहुत मुश्किल होता है। तो आप सब मिलके, मैं भी उसमें शामिल, मिलके हम आगे कदम बढ़ाएं, और जो भी नेकी कर सकें निकलें और देखें किसको ज़रूरत है हमारी। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक और नए घर में। अल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا إله العالمين يا رب العالمين يا رب العرش العظيم مالك بادشاہ کریم مہربان رحمان رحیم तेरे करोड़ा 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 करोड़ एहसान के तूने हमें मुसलमान बनाया, और इसी मुसलमानी का सदका है कि तूने हमें माह रमज़ान जैसा अजीमुशान महीना भी अता किया है। तुझे तेरी रहमत का, तेरी अजमतों का, तेरे एहसान का, तेरे फजल का वास्ता। बारी ताला हर उम्मती का रोज़ा कबूल फरमा, नमाज़ें कबूल फरमा, तरावियाँ कबूल फरमा,
कुरान का सुनना और कुरान का पढ़ना कबूल फरमा। रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तुझे वास्ता देकर दुआ करते हैं। सारे ही उलुल अजम अंबिया, अंबिया अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन, शहदा और सालहीन का तुझे हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी और सारे औलिया का वास्ता देकर अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह बस हमारी टूटी फूटी नेकियां कबूल हो जाएं, हमारी बेहिसाब मग़फ़रत हो जाए, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़रत हो जाए। बारी ताला वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तूने अपनी किताब में ये वाज़ेह ऐलान किया है, मत मरना मगर मुसलमानी में मरना। तो अल्लाह में ईमान की ज़िंदगी तूने दी है तो ईमान की मौत भी अता फरमा, हमें बेईमानी की मौत से बचा ले। या अल्लाह तंग दस्तियाँ, फ़क्र फ़ाका, बेरोज़गारियाँ और कर्ज़दारियों से हर उम्मती की जान छुड़ा दे। जो तंग दस्त हैं, परेशान हाल हैं, फ़क्र फ़ाका से दो चार हैं, ये महीना तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इस महीने में बंदे का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, सबका रिस्क बढ़ा दे, सबके हाल पर रहम कर दे, करम कर दे, फजल कर दे। बे औलादों की गोदें औलाद से भर दे, बे रिश्तों को नेक साले करीम, गैर लालची हम कुफ रिश्ते अता फरमा दे। जो गुमशुदा हैं उन्हें मिला दे, जो बेकसूर कैद में फंसे उनको आज़ादी दे, जिन पर झूठे मुकदमे बने हुए हैं उनकी मुकदमों से खलासी दे। इस वतन को तूने माह रमज़ान में आज़ादी अता की थी, उन आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों का सदका ये वतन सुबह क़यामत तक आज़ादी के नूर से मुज़ीन फरमा। इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, इसके मुखलिसीन को ऐ अल्लाह उरूज दे, और जितने अय्यार मक्कार धोखेबाज इस वतन अज़ीज़ की जड़ों में घुसे हुए हैं उनसे उम्मत की जान छुड़ा। पाकिस्तान क़यामत तक सलामत रहे, हम वतनों की मदद फरमा। तेरे बंदे, तेरी बंदियाँ यकीनन तेरी बारगाह में इस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए हुए होंगे। न जाने कितने करोड़ा करोड़ लोग इस वक्त दस्तरखान पर इफ्तार के इंतज़ार में बैठे होंगे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, जो हमारे साथ दुआ में शरीक है उन पर भी और पूरे आलम में बसने वाली तेरी हर मखलूक पर तू अपनी रहमत नाज़िल फरमा। तमाम जिन्नो इंस पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह, ज़मीन में रहने वाले, समंदरों में रहने वाले, ज़मीन के ऊपर बसने वाले, ज़मीन के अंदर रहने वालों सब की तू पर, सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। और माह रमज़ान करीम, यकीनन ये वो महीना है, इस महीने में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को बिस्तर से दूर कर देते थे, यानी गोया दिन रात दिन रात दिन रात तेरी बंदगी में बसर होते थे। और तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सखावत तेज़ आंधी की तरह इस मुकद्दस तरीन महीने में जारी और सारी रहती थी। तुझे उस अजीम नबी का सदका, उस नबी की अजमत व रिफत व बुलंदियों का सदका, उनकी जुदो अता और सखावत का सदका, उनकी शब्बेदारियों का सदका, हम कमज़ोरों को, नातवाओं को इबादत का शौक़ अता फरमा। रोज़ा ढाल है तेरे हबीब फरमाते हैं, इसे कोई फाड़े नहीं। इसका फाड़ना यह है कि रोज़े के अंदर झूठ बोलना, गीबत करना, वादा खिलाफी करना, नाहक काम करना रोज़े की ढाल को फाड़ देते हैं। मौला, हमारी ये रोज़े की ढाल जो है, जो जहन्नम के सामने ढाल है, इसे सलामती के साथ दुनिया से ले जाने वाला बना दे। और जन्नत में जो बाबू रैयान है, उसी बाबू रैयान से हमारा दाखिला मुकद्दर फरमा। हमारी कदम कदम पर मदद फरमा। सबके गुनाह माफ़ कर दे, अजाब कब्र से बचा ले, दोज़क की आग से बचा ले। बतकाज़ाए बशरियत जितने गुनाह कर चुके हैं, तौबा करते हैं, माफ़िया मांगते हैं, या अल्लाह हमारी माफ़िया और हमारी तौबा सच्ची बना दे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।